हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? अभी तक हमने कौन कौन से अक्षर की कहानी सुनी है? अ, आ और ई। आज मैं आपको ई अक्षर की कहानी सुनाऊंगी, बड़ी ई अक्षर की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रात का समय था, ईशान को सुबह जल्दी उठना था। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपने दोस्त के यहाँ जाना था, इसलिए उसने ईश्वर को नमस्कार किया और सो गया। फिर सुबह पापा आए और पापा ने ईशान को उठाया और फिर ईशान उठ गया। उसके पापा पता है ईंटों का व्यापार करते थे, वो एक ईमानदार इंसान थे। ईशान जल्दी से रेडी होकर अपने दोस्त इरफान के घर गया। पता है आज क्या था इरफान के घर में? आज थी ईद। इरफान के मम्मी ने इरफान के लिए और ईशान के लिए क्या बनाया था पता है? ईख के रस की खीर बनाई थी। फिर इरफान के मम्मी ने इरफान को और ईशान को ईद दी। उसके बाद इरफान और ईशान ईदगाह गए, वहाँ पे दोनों एक दूसरे के गले मिले और पता है क्या कहा? ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो ये थी ई अक्षर की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो इस कहानी के अंदर हमने ई अक्षर के कौन कौन से शब्द सीखे, चलिए देखते हैं। ई ईश्वर, ई ईक, ई ईट, ई ईद। कहानी के अंदर ई अक्षर के और भी शब्द हैं, वो आपको ढूंढना है और मैम को बताना है। तो चलिए अब देखते हैं ई अक्षर को लिखा कैसे जाता है। अब हम ई अक्षर को लिखेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर, वन मोर कर, स्लैंटिंग लाइन, कर। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर, वन मोर कर, स्लैंटिंग लाइन, कर। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर, वन मोर कर, स्लैंटिंग लाइन एंड कर। ये क्या बन गया हमारा? ई। क्या बन गया? ई।